नमस्कार। द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया है। कम स्क्रीन्स मिलने के बावजूद फिल्म शानदार बिजनेस कर रही है। फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री के काम की लोग तारीफ कर रहे हैं। फिल्म का क्रेज लोगों में इस कदर देखने को मिल रहा है कि सुबह 6 बजे के शोज भी हाउसफुल जा रहे हैं। थिएटर्स के बाहर फिल्म देखकर निकल रहे लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आम जनता ने फिल्म को दिल खोलकर अपनाया है, लेकिन बॉलीवुड जिस तरह से चुप बैठा है वो कई लोगों को रास नहीं आ रहा है। जहां कुछ दिनों पहले विवेक अग्निहोत्री ने कपिल शर्मा पर उनकी फिल्म को अपने शो पर प्रमोट न करने का आरोप लगाया था, वहीं अब बॉलीवुड की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स को जो रिस्पॉन्स मिला है उसे देखने के बाद बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां शांत है। अगर अक्षय कुमार और कंगना रनौत को छोड़ दिया जाए तो किसी भी बड़े एक्टर ने द कश्मीर फाइल्स पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब इसी को लेकर ट्विटर पर बॉलीवुड ट्रेंड कर रहा है। लोग बच्चन, खान, कुमार पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, एंटायर बॉलीवुड स्टैंड्स एक्सपोज टुडे, नॉट वन ट्वीट इन सपोर्ट ऑफ द कश्मीर फाइल्स फ्रॉम बच्चन, खान, देवगन, अक्षय कुमार और एनी अदर बिग स्टार। डिड यू रियलाइज हाउ मच ऑफ आवर हार्ड अर्न मनी वी हैव वेस्टेड ऑन दीज स्पाइनलेस हिपोक्रेट्स ओनली टू मेक देम रिच एंड फेमस। एक और यूजर ने लिखा, 480 sold out shows, 550 shows on the way to houseful. The Kashmir Files becomes a blockbuster within 2 days of its release. All this without being promoted by any big names, without any support from Bollywood. That's the power of unity. That's the power of the people. इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, Marathi comedy show did the promotion to the Kashmir. Wake up Hindu, boycott every film of Bollywood and their shows, channels promote regional language films. एक और यूजर ने लिखा, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड को सांप सूंघ गया है। मूवीज विद आइटम गर्ल्स मेक देम फ्लॉक टू द थिएटर्स एंड सपोर्ट ईच अदर गेन मोमेंटम, बट नॉट फॉर द कश्मीर फाइल्स। आई हैवंट सीन अ सिंगल एप्रिसिएशन बाय एनी बॉलीवुड स्टार, बट ऑब्जर्व दीज बिगीज, द कंट्री इज वॉचिंग। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, हाउ मेनी फ्रॉम बॉलीवुड हैव स्टूड अप and supported the Kashmir files. When Aryan Khan was arrested, they couldn't stop talking about the injustice. Here, thousands of Hindus were slaughtered, raped, driven out of their homes. And what do you hear from them? Silence. Ek aur user ne likha, who needs the seal of approval from a freaking comedian Kapil Sharma and the D-gang Bollywood Khans? The grand promotion of the film was done by the Prime Minister of India himself, the popular leader of the world. एक और यूजर ने लिखा, हिंदू जजेस ओपन सुप्रीम कोर्ट एट मिडनाइट फॉर इस्लामिक टेररिस्ट, खान ऑफ बॉलीवुड आर नॉट इवन स्टैंडिंग फॉर इनोसेंट हिंदू विक्टिम्स, द कश्मीर फाइल्स, दिस इज द असिमेट्रिकल रिलेशनशिप सेक्युलरिज्म डिमांड्स, सेक्युलर एच इज पर्सन हु इज हैप्पी बीइंग अ सेकंड क्लास सिटीजन। बता दें, लोगों का गुस्सा बॉलीवुड पर तब से और भी ज्यादा निकल रहा है जब से कंगना ने द कश्मीर फाइल्स की तारीफ करते हुए बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। कंगना ने न सिर्फ फिल्म की तारीफ की बल्कि इसे लेकर बॉलीवुड पर निशाना भी साधा। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, कृपया द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर फिल्म इंडस्ट्री का पिन ड्रॉप साइलेंस नोटिस करें। इस फिल्म का न सिर्फ कंटेंट बल्कि बिजनेस भी बहुत अच्छा है। इस फिल्म का इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट एक ऐसी केस स्टडी हो सकता है कि ये साल की सबसे सफल और लाभदायक फिल्म होगी। उन्होंने आगे लिखा, इस फिल्म ने इस भ्रम को भी खत्म कर दिया कि सिनेमाघरों में बड़े बजट की फिल्मों या विजुअल इफेक्ट से जुड़ी फिल्में पसंद की जाती हैं। ये फिल्म हर मिथक तोड़ रही है और दर्शकों को वापस सिनेमाघरों में ला रही है। मल्टीप्लेक्स में सुबह 6 बजे के शोज फुल है, जो कि एक असाधारण बात है। बॉलीवुड और उनके चमचे सदमे में चले गए हैं। कोई कुछ नहीं कह रहा है, सारी दुनिया देख रही है इनको, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कह रही है। उनका टाइम अब खत्म हो गया है। बताते चले, द कश्मीर फाइल्स ने 3 दिनों में ही 27 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म को जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है वाकई में काबिले तारीफ है। वैसे इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया, बिकॉज महसूस करना जो है, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर, सिर्फ महसूस करना काफी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फिल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है। तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन। तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ को नहीं ला सकता है।
महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट. इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट. सो आई वॉन्ट टू सेपरेट टू इशूज ओवर हेयर. वन इज दैट जस्ट बिकॉज आई एम ए कश्मीरी पंडित डज नॉट मीन दैट आई विल बी एबल टू पोर्ट्रे दैट पेन ब्रिलियंटली अनलेस आई कैन प्रोजेक्ट वॉट आई एम फीलिंग. जब विवेक ने मुझे ये मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ. ना पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का. तो एंड हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे. अलग से फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था. ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बन रही है. क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है? हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे. एंड देन इट डॉन्ड ऑन मी व्हाट इट इज़ टू बी प्लेइंग पुष्करनाथ, अ सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है. आई वॉज रिप्रजेंटिंग ए नॉर्मल कश्मीरी पंडित फ्राम कश्मीर, विच माई फादर रिप्रजेंटेड वेरी वेल. एंड देन इट वॉज डिफिकल्ट टू डू दैट रोल, बिकॉज हाउ डू आई सेपरेट द इमोशंस ऑफ अनुपम खेर फ्राम द इमोशंस ऑफ एक्टर अनुपम खेर? वॉट इज रियल एंड वॉट इज एक्टिंग? सो फ्राम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रोल्स. He gets dementia, he does not know what is happening, he has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan, who was not on the same wavelength as a character of Pushkarnath. So it was a difficult job. Plus kahani wo thi jo main sun chuka tha apne rishtedaron se, kareebi rishtedaron se, mere mama se, meri maa se, aur hum sab वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं. दैट्स वाई इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन. बट आई एम सो हैप्पी दैट विवेक यू एंड पल्लवी यू मेड दिस फिल्म, बिकॉज आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं एज जर्नलिस्ट, बट इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है. एंड दैट इज़ द biggest achievement I will say of the film, because when pain reaches other people, then half the job is done. So I think this is what this film has done. Thank you so much Vivek sir, this one's for you. Main aapse janna chahunga, generally kya hota hai, film aane wali hoti hai, bahut halla gulla machaya jata hai, marketing hoti hai, promotions hote hain, ye yadakada hi dekhne ko milta hai ki jab film ka trailer aa chuka hai, log khud se usko review kar rahe hain, log uske bare mein baat kar rahe hain, organic reach jo kaha jata hai, प्लीज मेरे को उसके ऊपर थोड़ा बताइए, बिकॉज आई नो यू वुड नॉट वांट टू टॉक अबाउट दैट कि ठीक है यार सही जगह जा रही है चीज, बट नहीं, ऑर्गेनिक रीच और जिस तरह से इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर प्लीज बोलिए कुछ. सच बोलूं? बिल्कुल सच बोलना है सर. डिप्लोमेटिकली बोलूं, देखिए ऑर्गेनिक रीच, ऑफकोर्स मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ, मैंने कम्युनिकेशन में ही पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक होता है ऑर्गेनिक रीच जो लोग खुद एक दूसरे तक पहुंचाते हैं मैसेजिंग, और दूसरा होता है एक हाइप्ड अप रीच, यू नो, जहां आप इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दें, इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि लोग एक इवेंट बन जाए और मजबूरी में लोग कहें भाई हमें तो इस इवेंट का पार्ट होना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो. तो साल में 5-6 फिल्में इंडिया में रिलीज़ होती हैं, 6-7-8 मैं कहूँगा, जो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो चाहे 2024 में आए चाहे 2026 में आए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, हमें इसका पार्ट बनना है. हमारे आसपास भी ऐसी फिल्में आ रही हैं, 3 साल से सारा मीडिया लिखता है कि ये फिल्म तो लोग देखेंगे, यानी मीडिया ने डिसाइड कर लिया घर घर जाके कि उस फिल्म को कौन देखेंगे. अब जब मीडिया ने डिसाइड कर लिया तो लोगों तक वो बात पहुंच ही जाती है. पर मैं जितनी फिल्में बना रहा हूं अब इन विवेक अग्निहोत्री 2.0 में, उसमें इन फिल्मों को हाइप अप करने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी रियल हैं, इतनी जुड़ी हैं ज़मीन से, और ऐसा कोई हमारे साथ उस तरह के भी स्टार्स और एक पूरा मसल और मैकेनिज़म काम नहीं करता हमारे साथ भी जो वो हाइप क्रिएट कर सके. तो हम तो सिर्फ जनता जनार्दन के ही सहारे रह सकते हैं.